तुमने सुना क्या वो पीछे वाली गली की बगल वाली गली नहीं है वहां पर हाँ। पुलिस वाले आके किसी को गिरफ्तार अरेस्ट कस्टडी कस्टडी में लिखी गई एक मिनट एक मिनट कस्टडी में अरेस्ट गिरफ्तार किया या फिर कस्टडी में लिखी गए क्या क्यों अलग तुम नहीं नहीं? कंफ्यूज हो रही हो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं कस्टडी जरूरी नहीं है अरेस्ट अच्छा आपको भी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि पुलिस कस्टडी क्या होता है जुडिशियल कस्टडी क्या होता है ये अरेस्ट क्या होता है इनमें कोई डिफरेंस है कस्टडी और अरेस्ट एक ही चीजें होती है सो हे वेलकम बैक टू आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जुडिशियल कस्टडी और ये पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों कस्टडियों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कस्टडी और अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं कस्टडी और अरेस्ट की तो कस्टडी और अरेस्ट आपस में भाई भाई बिल्कुल भी नहीं है ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती है अगर मैं अरेस्ट की बात करूं तो जितनी भी अरेस्ट होती है उसमें कस्टडी इंक्लूड होती है यानी कि अगर गिरफ्तारी हुई है यानी कि अरेस्ट हुआ है तो उसमें कस्टडी हो होगी ही होगी अगर मैं कस्टडी की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि कस्टडी हो तो अरेस्ट भी हो कस्टडी में अरेस्ट जरूरी नहीं है इंक्लूड होता हो

वो उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी की एकदम एकदम आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो पुलिस कस्टडी में जब कोई भी एक्यूज होता है उसको पुलिस कस्टडी कहते हैं मजिस्ट्रेट की कस्टडी में कोई भी एक्यूज होता है उसको हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करता है तो वो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पहले उसको रखता है लॉकअप में उसको रखता है या फिर आप कह सकते हैं वहां के सेल प्रिजन में उसको रखता है जेल में नहीं रखता है जब वो जुडिशियल कस्टडी यानी कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है और वो जुडिशियल कस्टडी में होता है तब उस एक पर्सन को किसी भी जेल में रखा जाता है सेंट्रल जेल मैं पुलिस कस्टडी की बात करूं तो किसी भी एफआईआर आई या किसी भी कॉम्निजेबल ऑफेंस होने की आशंका की वजह से पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को जाके अरेस्ट करता है तो सेक्शन 57 बात करता है इसकी हमारा सेक्शन 57 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया है तो विद इन ट्वेंटी आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा जिसमें एक्सक्लूड करता है जो ट्रैवल का टाइम है जर्नी का टाइम है वो एक्सक्लूड करता है अगर मैं बात करूँ सेक्शन 167 ऑफ सी आर बोलता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने जो ऑफिसर इन चार्ज है या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर है बस वो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर से बिलो नहीं होना चाहिए सब इंस्पेक्टर या फिर उसके ऊपर की रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भी उस अक्यूज पर्सन को कस्टडी में लिया अरेस्ट किया है वो विदिन ट्वेंटी फोर आवर किसी भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में उसको प्रेजेंट करेगा कोई भी पुलिस ऑफिसर 24 घंटे से ज्यादा किसी भी एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता 167 के सब क्लॉज टू में जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज़ पर्सन को फॉरवर्ड किया गया चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो चाहे उसके पास जुरिडिक्शन ना हो ज्यूरिडिक्शन का यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं है चाहे जुरिडिक्शन हो उस मजिस्ट्रेट के पास में उस केस को ट्राई करने का चाहे उसके पास जुरुडिक्शन ना हो तब भी वो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी का जैसा भी उसको ठीक लगता है वो ऑर्डर दे सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है सिर्फ पंद्रह दिन यानी कि पंद्रह दिन तक की और पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है अगर मैं जुडिशियल कस्टडी की बात करूं तो उसको सिक्सटी डेज यानी कि साठ दिन तक के लिए एक्सटेंड किया सकता है तब किया जा सकता है जब जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है दस साल की कम की सजा के साथ में दस साल से कम की सजा में जो कोई भी ऑफेंस आता है उसकी जुडिशियल कस्टडी सिक्सटी डेज तक हो सकती है 90 डेज तक जुडिशियल कस्टडी तब एक्सटेंड होगी जब कोई भी ऑफेंस डेथ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या 10 साल से ज्यादा की सजा के लिए पनिशेबल है

उसकी कस्टडी का जो कंट्रोल होता है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास में होता है अगर मैं बात करूं जुडिशियल कस्टडी की तो उस केस में जो कस्टडी का कंट्रोल होता है वो मजिस्ट्रेट के पास होता है यानी कि अगर कोई भी एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन पर अगर कोई भी पर्सन जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी इंट्रोगेट या फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी पर्सन को एफआईआर या फिर सस्पेशन के बेसिस पे पुलिस कस्टडी में पुलिस अरेस्ट करके रखती है अगर मैं जुडिशियल कस्टडी की बात करूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कोर्ट को ये बिलीव करा देता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर इंक्वायरी के लिए इस पर्सन का कस्टडी में होना बहुत जरूरी है तो उस केस में कोर्ट जो है जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर देता है इन केस ऑफ पुलिस कस्टडी पुलिस ऑफिसर को विद इन ट्वेंटी फोर आवर जिस भी पर्सन को उसने अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है अगर चार्जेस प्रूव नहीं हुए या तो मजिस्ट्रेट उसमें बेल ग्रांट कर देगा या फिर उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर देगा जुडिशियल कस्टडी के केस में जब तक मजिस्ट्रेट कोई फर्दर ऑर्डर ना दे तब तक या फिर जब तक की उसमें बेल ग्रांट ना हो तब तक उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है बेसिक डिफरेंस यही है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से एक बार और देखिए नहीं समझ में आया तब भी तो प्लीज मेक श्योर मुझे कमेंट कीजिए मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग को रिप्लाई करूंगी तो मोटा मोटा यही डिफरेंस है जब पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है तो वो पुलिस कस्टडी में होता है यानी कि वो होता तो अरेस्ट है पर वो पुलिस की कस्टडी में होता है और उसको 24 फोर आवर के विदिन मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है फिर मजिस्ट्रेट फर्दर ऑर्डर देता है कि उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए ज्यादातर उसको जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाता है पुलिस कस्टडी में बहुत रेयरली रखा जाता है अगर रखा भी जाता है तो सिर्फ पंद्रह दिन तक के लिए रखा जा सकता है और जुडिशियल कस्टडी में सिक्सटी डेज या नाइन्टी डेज के लिए उस पर्सन को एज पर उसके ऑफेंस का पनिशमेंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है सो so और ऐसी वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और हमें इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं सी एन मै नेक्स्ट वीडियो बाय बाय